चलो हीट ट्रांसफर में देखो, हमारा आज मेन टॉपिक है हीट ट्रांसफर में हम करते क्या है, हमारे पास कोई भी मैटर है, क्या है मैटर, मैटर में आप जानते हो सॉलिड लिक्विड गैस तीन जगह, उसके एक किसी भी पॉइंट से हम, ये वो बीच वाला मैटर है, दूसरे पॉइंट तक हमें क्या करनी होती है हीट ट्रांसफर, एक पॉइंट से ए से लेके बी, मैटर से, मैटर के अंदर से भी जा सकती है और विदाउट मैटर भी जा सकती है ए और बी के, मतलब विदाउट एनी मीडियम भी जा सकती है, पर हम एक किसी पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक क्या पहुंचाना चाहते हैं हीट, इसे बोलते हैं हम लोग हीट ट्रांसफर। ये किसी मटेरियल में हो सकती है, ये एयर में हो सकती है और ये वैक्यूम में हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है। हमारा चैप्टर जो है वो थर्मल है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो आज हमें पढ़ना है कि हीट ट्रांसफर कैसे करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। और हमेशा हीट ट्रांसफर के लिए ये जरूरी है इस बॉडी का क्या होना हॉट और उस पॉइंट का होना, अगर दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं तो क्या हीट ट्रांसफर हो पाएगी, ये भी 100 डिग्री पे, ये भी 100 डिग्री पे, क्या ये अपनी हीट इसे देगा, नहीं, एक हॉट उस पे होनी चाहिए और एक इस पे होनी चाहिए कोल्ड, टेम्परेचर डिफरेंस में ही क्या हो सकता है हीट ट्रांसफर, हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। तो हीट ट्रांसफर की डेफिनेशन क्या होगी, लिख लो हीट ट्रांसफर, इट इज द मैथड टू ट्रांसफर हीट, इट इज द मैथड टू ट्रांसफर हीट बाय एनी मीन, बाय एनी मीन, एम ई ए एन, बाय एनी मीन फ्रॉम वन हॉट पॉइंट टू अनदर कोल्ड पॉइंट, टू वन हॉट पॉइंट टू अनदर कोल्ड पॉइंट, इन शॉर्ट ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड हीट ट्रांसफर। The transfer of heat from one point to another is called heat transfer. अब इसके लिए हमारे पास क्या है, heat transfer के लिए हमारे पास है क्या? अब सुनते रहना, heat transfer हम तीन तरीकों से करेंगे, क्या करेंगे तीन तरीकों से। पहला heat transfer करने का तरीका जो है वो है conduction, क्या है जिसे हम बोलते हैं थर्मल कंडक्शन। दूसरा मेथड है हमारे पास, दूसरा मेथड है कंडक्शन, दूसरा मेथड है कन्वेक्शन और तीसरा मेथड है रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन में क्या होता है, हीट फ्लोज बाय कोलिजन और वाइब्रेशन इनसाइड द मैटर और मटेरियल कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब है जनरली ये होता है मेटल्स में, किसमें होता है मेटल्स में। मेटल में क्या होता है, आपने मेटल में साउंड ट्रेवल करते हुए देखा होगा,
मेटल में पता है साउंड कैसे ट्रेवल करती है, जब एक गाड़ी एक पटरी के ऊपर से जाती है ना तो बहुत दूर पटरी पे आवाज आती है, एक दो किलोमीटर पहले ही जो बंदा पटरी क्रॉस कर रहा है वो पता लगा सकता है कि ट्रेन आ रही है कि नहीं आ रही। अंदर ही अंदर पार्टिकल साउंड को, जो जो लोहे है जो मेटल है उसके जो पार्टिकल्स है, जो उसके पार्टिकल्स है वो अंदर ही अंदर साउंड को वाइब्रेट करवाते हैं। क्या करवाते हैं, मतलब पहला पार्टिकल दूसरे को वाइब्रेशन देगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, ऐसे वाइब्रेशन फैलती है। वैसे ही जितने भी मेटल है वो हीट को ऐसे ही करवाते हैं, पहले एक गर्म हो जाता है, फिर वो अपनी हीट किसको देता है, दूसरे को, दूसरा तीसरे को। पता है क्या होता है, कैसे होता है, इससे हीट मिलेगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी जिससे ये किसको गर्म कर देगा, दूसरे को। ऐसे आते आते आगे आते 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 वो क्या देते हैं, हीट। पर अगर हम इसे 100 देते हैं तो इसे पूरी 100 नहीं मिलती, इससे क्या बनती है, लेस देन 100। पूछो क्यों, क्योंकि हीट आते आते थोड़ी लॉस हो जाती है। क्या हो जाती है, लॉस, वो खुद एनर्जी में यूज कर लेते हैं। जैसे कि ये जो मेथड है, दिस इज कॉल्ड कंडक्शन। क्या है कंडक्शन, इसमें क्या कर रहे हैं, दो पार्टिकल आपस में कोलाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप, कंडक्शन ही तो कर रहे हो ये, दिस इज कॉल्ड कंडक्शन। इसमें आप क्या कर रहे हो, हीट फ्लो बाय द कोलिजन और वाइब्रेशन इनसाइड द मैटर। आप लोगों को नहीं पता होगा, एक वाइब्रेटर आता है जो बंदूक की बेली फैट लूज करता है, इसका एक सोना बेल्ट, पता नहीं सोना स्लिम बेल्ट ऐसे उसका नाम आता है, लोग उसको लगाते हैं, वो वाइब्रेट करता रहता है। इतना ज्यादा वाइब्रेशन होता है कि आपकी बॉडी गर्म हो जाती है, और हीट, जैसी बॉडी आपकी गर्म होती है ना, सबसे ज्यादा आपको जब पसीना आता है तभी फैट लॉस होने के चांसेस होते हैं। तो बॉडी उस पार्ट को यूज करती है, उस मसल्स को यूज करती है जिससे फैट अपने आप क्या हो जाता है, रिड्यूस। बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस की तरह आपकी बॉडी क्या होता है, अंदर ही अंदर, ये मेटल है, मेटल का एक मटेरियल गर्म होगा दूसरे को देगा, ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, थर्मल कंडक्शन। क्या मटेरियल खुद इसे हीट दे रहा है, इस मटेरियल को हमने 100 दिया, इस मेटल पार्टिकल को हमने 100 दिया, क्या इसको मिल रहा है 100, या खुद इसे आके दे रहा है, नहीं, वो अपने पास वाले को देता है, ऐसे करते। अगर मुझे इसकी तरफ मार्कर देना हो तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको दूंगा फिर ये उसे देगा। क्या ये इजी मेथड नहीं है, सबसे बढ़िया मेथड यही है कंडक्शन। क्या है, हाँ मुझे बताओ, आप पानी को उबालना होता है आपको, तो डायरेक्ट आपको जब पानी को उबालना है तो उसके बीच में आप डायरेक्ट पानी को ले जाके रख देते हो गैस स्टॉक पे, या पहले एक मेटल का पतीला रखते हो, आप पहले मेटल का पतीला रखते हो ना, पहले वो मेटल का पतीला गर्म होता है और उसके बाद वो किसको गर्म करता है, पानी को। किसको ये बात पता है, पहले आप किसको गर्म करते हो, उस मेटल के पतीले को, ठीक है, यूटेंसिल, उसे यूटेंसिल बोलते हैं ना, जो आपके घर पे जो वो बर्तन होता है उन्हें यूटेंसिल्स बोलते हैं। तो यूटेंसिल्स को आप गर्म करते हो जिससे पानी गर्म होता है। आप डायरेक्ट जब रोटी बनाते हो तो डायरेक्ट रोटी को गर्म करते हो, या फिर पहले यूटेंसिल गर्म होता है जिससे रोटी बनती है, ये मेथड होता है। इसे मेथड को हम बोलते हैं थर्मल कंडक्शन, जिसमें आप पार्टिकल, और क्या आपको पता है, अगर आप मेटल, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मान लो एक तरफ आग चल रही है और मैं लोहे की रॉड इसके ऊपर रख दूँ, क्या मेरे तक गर्म हो जाएगी वो, थोड़ी देर बाद। आप चम्मच को रखो, चम्मच जानते हो, चम्मच गर्म हो जाता है, कई बार चम्मच अगर कढ़ाई में ही रह जाए तो वो चम्मच भी गर्म हो जाता है, किसने देखा, ये होता ही है। तो ये जो रॉड है इसको अगर आपने यहाँ से हीट दी तो ये अपनी फ्लो को आगे फ्लो करवाएगा और आप भी इससे आप भी चल सकते हो। पर वुड ऐसा नहीं करती, वुड के साथ ऐसा नहीं होता, वुड के, अगर ये वुड होता ना तो यहाँ से खुद जल जाता, पर यहाँ हीट, पुराने ज़माने में लोग ऐसी तो वुड को एक तरफ से जला लेते थे और उसके पूरे घूमते थे, मेटल को जलाते थे या वुड को, वुड, आ रही बात समझ में। तो याद रखना, वुड इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वो मेटल, वुड के अंदर ये थर्मल कंडक्शन नहीं हो सकता। आज भी आप, आजकल जो आते हैं ना वो चलाने वाले, आप कोई भी फ्राइंग पैन है उसके अंदर लकड़ी का एक आता है, वो क्या नाम बताया था उसका, स्पैचुला, स्पैचुला जो है वो काफी अच्छा वुड का आता है और उससे हिलाते हैं। सर एक सर बात बताओ, वुड जो होगा उसमें भी तो पार्टिकल ट्रांसफर होंगे, हाइट नहीं, उसमें पार्टिकल खुद एनर्जी गेन कर लेंगे और जल जाएंगे वुड। हाँ, वुड क्या करेगा, वुड उस एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा और आगे ट्रांसफर नहीं करेगा, वो खुद क्या करेगा, उसको गेन करके जल जाएगा। उसके अंदर ये पावर नहीं होगी कि वो आगे क्या करे, किसी मटेरियल को फ्लो करवा दे, वो खुद ही ले रख लेगा
और इतना ज्यादा ले लेगा कि क्या हो जाएगा वो, आपको पता है ना वुड, यही होता है वुड के साथ कि ज्यादा गर्म करने पे वो जल जाएगा बट वो आगे कंडक्शन नहीं करता। नहीं नहीं हम खाना बनाते हैं उसे करते हैं ना, नीचे वाला थोड़ा होता है पर आप 2 मिनट हवा में रखो वो बिल्कुल ठंडा हो जाता है, वो तो उसके ऊपर थोड़े पार्टिकल चिपके होते हैं ना उसी की गर्मी होती है, वैसे उसके अंदर गर्मी नहीं होती। कंडक्शन आ गया, इसमें क्या है सबसे मेन है, नो एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल, नो एक्चुअल मोशन कर, सही है, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन में कोलिजन और वाइब्रेशन से नहीं फैलते, इसमें पार्टिकल्स का होता है एक्चुअल लेयर, एक्चुअल मोशन क्या होता है, इसका एग्जाम्पल सीधा देता हूं, ठीक है, इसमें क्या होती है, इसका इसमें लिखोगे हीट फ्लो बाय एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गिवन मैटर या फिर मटीरियल, और इसका एग्जांपल है बॉइलिंग ऑफ वाटर, क्या है, ठीक है, और इसका दूसरा एग्जांपल जो बहुत ही बड़ा एग्जांपल है वो इसका एग्जांपल ओ टी ई सी, एग्जांपल नंबर 2, ओ टी ई सी, ओ टी ई सी, ओ टी ई सी का मतलब होता है ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन होता है, कन्वर्जन एक होता है कनेक्शन, तो ओ टी ई सी ओशन थर्मल एनर्जी जो बनती है, ओशन थर्मल एनर्जी, ये क्या होता है ओशन थर्मल एनर्जी मैं बताऊंगा तुम्हें अभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओशन थर्मल एनर्जी, इससे बहुत ही ज्यादा पावर प्लांट चलते हैं, क्या चलते हैं, ये एक्सप्लेन में था, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन होता है पार्टिकल का एक्चुअल मोशन, करें इसे मिटा दूं, कन्वेक्शन नोट कर लिया आप लोगों ने, साथ साथ में करते रहना आप नोट, तब तक मैं रेडिएशन के बारे में भी लिख देता हूं, रेडिएशन क्या है, जो रेडिएशन है वो है फ्लो ऑफ हीट विदाउट एनी मीडियम और मैटर, हीट फ्लोज बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सोलर हीट और रेडिएशन, अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, जल्दी नोट कर लो फटाफट,